वेव्स या वेव मोशन चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है कि वेव्स हैं क्या। मीडियम में किसी भी टाइप की अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो हम बोलते हैं वेव वेव मोशन है। या फिर वेव का बेसिकली वेव करती क्या है, एनर्जी को प्रोपोगेट करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वैसे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो एनी डिस्टरबेंस इन मीडियम इज नोन एज अ वेव। पानी पड़ा हुआ है स्टिल रेस्ट पे है, आपने पत्थर मारा, रिपल जनरेट हो गई, वेव वेव जनरेट हो गए। समुंदर रेस्ट पे है, हवा चली, वेव जनरेट हो गई, चलती है वेव जनरेट होती है। मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो एनर्जी मेरे बोलने की एनर्जी को आपके आपके कानों तक लेके आ रहे हैं। ये भी वेव मोशन, दिखाई नहीं दे रही पर एक्चुअल में एयर के पार्टिकल बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। और अगर मैं ऊंची बोलूंगा तो और डिस्टर्बेंस होगी, और ऊंची बोलूंगा आपके कानों को पता लगेगा कि मैं, मतलब आप मना करोगे तो इतनी ऊंची मत बोलो, कान फट जाएंगे। और ऊंची बोलूंगा, बम फोड़ दूंगा तो चाहे शीशे भी टूट जाएंगे आवाज से, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन जनरेट होगी वो शीशे को भी हिला देगी। ठीक, यानी कि एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये सबूत है कि एनर्जी ट्रांसफर हो, मैं बोल रहा हूं मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बॉम्ब फटता है, शीशे टूटते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सब एयर के पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। तो अब वेव मोशन है क्या? वेव मोशन का मतलब तो बता दिया, वेव होती क्यों है। वेव को जनरेट करने के दो के लिए दो चीजें चाहिए आपको। अगर आपने एक पानी में पत्थर मारा तो पानी का पार्टिकल नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। कोई कहते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, रिपल्स हैं, ऐसे होता है। नहीं, ऐसे लगता है, होता नहीं है। कागज रख दो उसके ऊपर और रिपल जनरेट करो, रिपल निकल जाएंगे, कागज ऊपर नीचे वहीं रह जाएगा। बोट बनाते हैं पेपर की, ये थोड़ा ना कि साथ में वेव के साथ चलती है, थोड़ा ना होता है। समुंदर के अंदर बोट खड़ी हुई है, वेव फॉर्म आती है, वो बोट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा ना कि वो वेव फॉर्म के साथ ही चलनी स्टार्ट, फिर तो कोई समुद्र में जाएगा ही नहीं। जबकि जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं बोट लेके, आपने देखा होगा जब शुरू में आप उसमें एंटर करते हैं तो वेव नीचे से निकलती रहती है, बोट बहुत जोर की ऊपर नीचे होती है, और इवन रास्ते में जाके भी काफी बार ऊपर नीचे होती है, वो ऊपर नीचे होती है और वेव उसके नीचे से निकल जाती है। स्टेडियम में जब वेव जनरेट होती है तो लोग खड़े होकर बैठते हैं, लोग भागते नहीं है स्टेडियम में, जब वेव जनरेट होती है क्रिकेट मैच देखो तो लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं बैठते हैं, फिर अगला खड़ा होता है बैठता है, अगला खड़ा होता है बैठता है, आपको लगता है वेव निकल गई उनमें से, जबकि पार्टिकल सिर्फ डिस्टर्ब हुए हैं ऊपर नीचे। तो पार्टिकल पानी का जब डिस्टर्ब हुआ तो वो पार्टिकल कहाँ पे आया, नीचे आया। अब अगर ये मान लो वो होता शहद होता, फिर नीचे ऐसे ही रुक जाता, फिर ऊपर ना आता, पर पानी है, पानी का पार्टिकल नीचे जाके ऊपर आएगा, यानी कि उसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी तो है। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जरूरी है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। इलास्टिसिटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी और पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, पर वो एकदम रुक नहीं पाएगा, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, वो ऊपर निकल जाएगा। इलास्टिसिटी तो फिर वापस लेके आएगी, फिर रुकेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर नीचे मूव करेगा। तो दो चीजें जरूरी है किसी भी वेव की मोशन के लिए, पहली क्या इलास्टिसिटी, दूसरी क्या इनर्शिया। तो पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्या दो चीजें जरूरी हैं, पहली इनर्शिया और दूसरी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है वेव प्रोपगेशन में दो चीज, एक और चीज पूछी जाती है, क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है जब वेव प्रोपगेट होती है। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है जब वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, और दूसरा वेव प्रोपगेशन में मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दो फैक्टर याद रखने हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव में पहली टाइप ऑफ वेव है मैकेनिकल वेव, और दूसरी टाइप ऑफ वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, एयर पानी कुछ ना कुछ, रस्सी कुछ तो चाहिए जिसमें वेव जाएगी। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव में, नॉन मैकेनिकल वेव में आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट, लाइट बिना एयर वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करती है। तो मैकेनिकल वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है बाय ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल फिजिकली मूव करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहां एयर चाहिए, बिना एयर के आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एयर के पार्टिकल हेल्प कर रहे हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। तो जैसे साउंड वेव्स है,
नॉन मैकेनिकल वेव में एनर्जी ट्रांसफर बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन पार्टिकल पार्टिकल कुछ नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जैसे लाइट है, लाइट बनी हुई है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो उनको मीडियम चाहिए ही नहीं है, वो ऐसे ट्रेवल कर जाते हैं। एक्सरेज है, रेडियो वेव्स हैं, ये जितनी भी वेव्स हैं, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वो वैक्यूम के अंदर भी फ़ोन ट्रैवल करेगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में सिग्नल जा रहे हैं। खाना गर्म कर रहे हो, माइक्रोवेव है, एक्सरे है, इनको मीडियम नहीं चाहिए होता। ये सब कौन सी वेव्स हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। तो हमारा सिलेबस ऐसे डिवाइडेड है, प्लस वन का क्योंकि आखिरी टॉपिक है, तो प्लस वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव ही स्टडी करवाई जाती हैं कि जिसमें मीडियम चाहिए वेव प्रोपगेशन के लिए, और प्लस टू में नॉन मैकेनिकल पढ़ाई जाती हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर है, ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर, लाइट की स्टडी एक महीने का कोर्स है जिसमें नॉन मैकेनिकल वेव को स्टडी करवाया जाएगा। तो मतलब ये आपका पीछा भी छोड़ेगी नहीं वेव, आधा अभी आधा प्लस टू, ऑर्गेनिक की तरह आधा अभी आधा प्लस टू, ऐसी वेव भी आधा अभी आधा प्लस टू। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब उस चैप्टर के लिए इसका बेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चैप्टर भी साथ के साथ हिल जाएगा प्लस टू का। तो क्लियर है यहाँ तक? तो हम स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। मैकेनिकल वेव फर्दर दो किस्म में डिवाइडेड है, पहली ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब वेव ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। जैसे ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, एक रस्सी ले लो, एक रस्सी ले लो, रस्सी में वेव जनरेट करो, हिलाओ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। अब तुम कहो सर रस्सी नहीं दूंगा, वेव जनरेट करो, कैसे करो? मीडियम चाहिए भाई, रस्सी तो लाके दो तभी वेव जनरेट करूंगा। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है और मैकेनिकल वेव है, क्योंकि मेरे को मीडियम की जरूरत है जिसे मुझे जनरेट करना है। और अगर आपकी वेव प्रोपगेशन कैसी है, ऐसी है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, और पार्टिकल कोई भी पार्टिकल रस्सी पे होगा, वो उसकी मूवमेंट पता है कैसी होगी ट्रांसवर्स वेव में? ट्रांसवर्स वेव में जैसे एक वेव पल्स आई, आपने एक रस्सी को कैसे लिया, ध्यान से स्लो मोशन, ये रस्सी है मेरा हाथ के आगे, रस्सी है टाइट रस्सी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये पल्स जनरेट होगी, एक दो तीन चार, एक दो करने पे क्रेस्ट और तीन चार करने पे ट्रफ। फिर मैंने अपना हाथ हिलाना ही बंद कर दिया, सोचो एनर्जी लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो एक वेव पल्स जनरेट हुई ना, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऐसी चलती रहेगी। आपको कि घर जाके करूंगा, नहीं हो पाएगी, घर जाके एनर्जी लॉस है। आप करते हो वेव पल्स बनेगी, फिर थोड़ी थोड़ी करती 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 खत्म हो जाएगी, पर अगर एनर्जी लॉस ना हो तो एक वेव पल्स जनरेट हुआ वो ऐसे ही चलता रहेगा बिना चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, कोई इसका साइज भी चेंज नहीं होगा। तो सोचो ये वेव पल्स आ रही थी और एक रास्ते में पी पार्टिकल था जिसमें से इसको पास करना है। मान लो मैं भी पी, मैं हूं वो पी पार्टिकल, अब मैं तो बैठा हूं, अब जैसी वेव आई, सोचो मैं बोट में बैठा हूं, बिल्कुल वैसी फीलिंग है, और नीचे समुद्र में से वेव निकलने वाली है, क्या होगा मेरे साथ? मेरे को उठा के ऊपर फेंकेगी, एक दो, फिर पानी नीचे रस्सी नीचे निकल जाएगी, तीन चार, फिर मैं रेस्ट पे आ जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा देखो वेव वो चली गई, मेरे अंदर से वेव पास हो जाएगी और मैं एक दो तीन चार करके बैठ जाऊंगा, फिर वेव जाएगी क्यू पार्टिकल में नेक्स्ट, उसको ऊपर नीचे करेगी फिर खिसक जाएगी। तो ऐसे वेव प्रोपगेट करती है, पार्टिकल में से वेव प्रोपगेट कर गई। इंपॉर्टेंट ये है, वेव की प्रोपगेशन वाई एक्सिस में, और सॉरी पार्टिकल की प्रोपगेशन वाई एक्सिस में, वेव की प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में है, दोनों में एंगल 90 है। तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? जिसमें वेव की जो मोशन है और पार्टिकल की जो प्रोपगेशन है उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90, और शेप क्या होगी, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये दिखाई नहीं देंगी आपको, मैं बोल रहा हूं देखो वेव दिख नहीं रही, रस्सी में वेव दिखती है, मेरे बोलने से वेव दिख नहीं रही। मेरे बोलने से क्या हो रहा है, इसमें हवा के पार्टिकल्स हैं, आपके कानों तक जितने हवा के पार्टिकल्स हैं वो ये कर रहे हैं, जो हवा के पार्टिकल्स हैं कुछ पार्टिकल काफी क्लोज आ जाएंगे, पास आ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल खुले हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और कुछ पास आ जाते हैं फिर अगले दूर दूर चले जाएंगे। तो जब मैं बोल रहा हूं तो एयर को डिस्टर्ब, एयर डिस्टर्ब हो रही है, एयर के पार्टिकल बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं?
मान लो एयर के पार्टिकल, कुछ सेट ऑफ एयर का पार्टिकल पास आ जाता है और अगला खुल जाता है। जो पास आता है हम बोलते हैं वो कंप्रेशन का रीजन है, कंप्रेस हो गई, और जो दूर जाता है वो रेरिफेक्शन बोलते हैं उसे, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, एक्सपेंशन का रीजन है वो। फिर अगला पास, फिर दूर। आपको ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे ही रहेगा। अगले इंस्टेंट पे ये पार्टिकल खुल जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और ये वाले पार्टिकल इधर आ जाएंगे। अब ये वाला रीजन टाइट हो जाएगा और ये खुद खुल जाएगा। तो वो रीजन कभी खुल रहा है, कभी पास टाइट हो रहा है, कभी पार्टिकल मीन पे है, नॉर्मल भी है, बीच में नॉर्मल भी है, नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल, फिर कम, फिर नॉर्मल से ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, ज़्यादा, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन। तो जब मैं बोल रहा हूँ और इसके कान तक आवाज़ आ रही है, तो एयर के पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे हो रहे हैं, खड़े खड़े मूव नहीं कर रहे एयर के। हवा, इसको ये नहीं फील हो रहा कि इसके बाल उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, सर ने बोला, नहीं, एयर के पार्टिकल उड़ते हुए नहीं जा रहे, वो बस अपनी जगह पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं डिस्टर्ब। तो वेव की प्रोपगेशन अगर ऐसे है तो पार्टिकल की मूवमेंट भी ऐसे ही है, 90 डिग्री पे नहीं है, इन द सेम एक्सिस, ऑन द सेम एक्सिस है। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। तो आपकी किताबों में इसको ऐसे लाइनों से खींच देते हैं, ऐसे लाइन्स का मतलब यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, पास और दूर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये ट्रांसवर्स वेव में एक वेव का मतलब होता है एक क्रेस्ट और ट्रफ मिला के एक वेव बनती है, और वेव की जो लंबाई है वो यहां से यहां तक वेव की लंबाई है। वेव की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ ये लैम्डा है, वेव लेंथ, इसे लैम्डा बोलते हैं। और ऐसी इसकी लंबाई क्या है? कंप्रेशन और रेरिफेक्शन मिला के एक लंबाई है, तो ये क्या है? वेव लेंथ। सेम कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? एक खींची हुई रस्सी, जैसे गिटार की स्ट्रिंग टाइट कर दो, बजाओ उसमें, तो स्लो मोशन में उसमें ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ दिखते नहीं, आपको वायर कांपती दिखती है, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग ऐसी होती है अंदर से। तो एग्जाम्पल है स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा, मैं बोल रहा हूँ, साउंड एयर के अंदर ऐसी चलती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। हम प्लस वन के अंदर दो ही केस करने वाले हैं, या तो खींची हुई रस्सी स्ट्रेच स्ट्रिंग, या फिर साउंड वेव्स, हवा में साउंड कैसे चलती है, बस यही करना है हमने। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव है कि जब मैंने जनरेट कर दी एक वेव, जनरेट कर दी एक वेव पल्स, जनरेट की मैंने, मान लो क्रेस्ट एंड ट्रफ एक रस्सी में जनरेट कर दी। प्रैक्टिकली क्या होता है कि वेव पल्स स्टार्ट होती है तो पहले बहुत बड़ा क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, छोटा छोटा होता 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 खत्म, वेव खत्म, ऐसे ही होता है। पर हम इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं लेते। जिन वेव में एनर्जी लॉस नहीं है उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड वेव, अनडैम्प्ड, डैम्पिंग नहीं है हम बोलते हैं, डैम्पिंग का मतलब एनर्जी लॉस है। प्रैक्टिकली जितनी वेव्स हैं उसमें डैम्पिंग होती है, एनर्जी लॉस है। समुद्र में बहुत बड़ी वेव जनरेट होती है, किनारे पे आते 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 खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई बड़ी आ जाए तो आ जाए, काफी हद तक खत्म हो जाती है, डैम्पिंग हो जाती है। पर हम लेते हैं अनडैम्प्ड। तो एक बार अगर मैंने वेव का एम्पलीट्यूड जनरेट कर दिया, मान लो 1 मीटर, मतलब मेरे हाथ में एक रस्सी है, मेरे हाथ में रस्सी है ये री, और ये मैंने एक वेव जनरेट कर दी अपने हाथ से, और मान लो ये 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब क्या है कि जो भी रस्सी का पहला पार्टिकल है जिसमें से वेव जनरेट हुई, उसके साथ मैंने क्या किया, ये पहला पार्टिकल है, 1 मीटर ऊपर लेके गया और छोड़ दिया, फिर 1 मीटर नीचे, फिर वापस ले आया, तो ये वेव पल्स जनरेट हो जाएगी और 1 मीटर की होगी, और ये वेव, क्योंकि एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो ये वेव आगे चलती जाएगी। अब आगे में क्या होगा? क्योंकि रस्सी के पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं, पी क्यू के साथ, क्यू एस के साथ, एस टी के साथ, टी एक्स के साथ बंधे हुए हैं। तो सोचो जब मैं पहले पार्टिकल को उछलता हूं, उसने हाथ पकड़ रखा है दूसरे पार्टिकल का, उसको भी उछलना पड़ेगा, अकेला एक पार्टिकल कैसे उछलेगा? रस्सी का एक कोना ऊपर चला गया, अगला पार्टिकल उसका वहीं रेस्ट, ऐसे होता है कभी, काफी पोर्शन रस्सी ऊपर जाती है। तो यानी कि अगर मैं हर पार्टिकल की बात करूं, तो हर पार्टिकल की ऐसी सिचुएशन है जब पहले मूव में पहले पार्टिकल कर पाता हूं बस, बाकी पार्टिकल अपने आप ही मूव कर जाते हैं क्योंकि आपस में अटैच्ड हैं। तो पहले पार्टिकल को मैं 1 मीटर ऊपर नीचे नीचे ऊपर लेके आया, फिर अगला पार्टिकल पे जब वेव पल्स आई तो वो भी 1 मीटर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, फिर वेव पल्स अगले में जाएगी वो भी 1 मीटर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पहला पार्टिकल 1 मीटर जाता है तो अगला फिर 0.8, 0.5, 0.4 करते करते 0, पर हम एनर्जी लॉस नहीं ले रहे,
हम ये मानते हैं कि जब वो वेव पल्स मान लो पी पार्टिकल के अंदर से क्रॉस करेगी, तो पी पार्टिकल भी किसी इंस्टेंट पर पहले 0.1 जाएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.4 करते करते 1 मीटर ऊपर, फिर करते करते के नीचे, फिर करते करते 1 मीटर नीचे और फिर ऊपर। तो यानी कि पी पार्टिकल ऊपर नीचे नीचे ऊपर मूव कर रुक जाएगा, फिर वेव पल्स आगे चली जाएगी, फिर अगले पार्टिकल का नंबर है। तो पी पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपने मुझे नहीं पता कब देखा उसे, तो पी पार्टिकल मीन पे भी हो सकता है, कुछ टाइम के बाद ऊपर भी मिलेगा, क्या पता कहाँ मिलेगा जब आप देख रहे हो। तो पी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है टाइम के साथ, पर हाँ उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगी, उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वेव का कोई भी पार्टिकल, ये एक स्नैपशॉट है वेव का, एक्चुअल में ये पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली ऊपर, हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन किसी भी स्नैपशॉट में ये पार्टिकल सबसे ऊपर आया हुआ है इस टाइम, नीचे भी आएगा ये, तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, जितने भी पार्टिकल वो डिस्टर्ब करेगी वो मैक्सिमम कितनी दूरी कवर करेंगे उसका एम्पलीट्यूड है, और हर इंस्टेंट पे उनकी दूरी किसी भी पार्टिकल की चेंज होती रहती है, वाई मीन पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, पर जब वो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। अपर पोर्शन को क्रेस्ट, लोअर पोर्शन को ट्रफ बोला जाता है। ठीक है यहां तक, एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं कभी भी, घट जरूर सकती है। एनर्जी दी कितने, मैंने वेव पल्स में 10 जूल एनर्जी लगाई, मैं कह रहा हूं 10 से ऊपर नहीं जाएगी, 10 ही रहेगी हमेशा, नहीं तो प्रैक्टिकली तो 8-7 करते करते 0 हो जाएगी, बढ़ तो सकती नहीं। तो हाँ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होंगी उनकी, पोटेंशियल भी होगी, इलास्टिक मीडियम है भाई, तो वो बैठ जाएगा, ठंडा हो गया, लूज, अगले को ट्रांसफर कर दी। बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव में, पी ने क्यू को ट्रांसफर कर दी, अब क्यू की बारी है, क्यू ने अब एस को ट्रांसफर कर दी, खुद बैठ गया। ठीक है यहां तक। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो पहली बार तो प्रोग्रेस करती है, आगे जाती है, पीछे नहीं आती। एक बार मैंने वेव पल्स जनरेट कर दिया तो वेव पल्स आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रहा, आगे बढ़ती गई, प्लेन प्रोग्रेसिव है। एंड एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं, रास्ते में जितने भी पार्टिकल आएंगे सब डिस्प्लेस होंगे। अगर P का एम्पलीट्यूड 1 मीटर है तो Q का भी 1 मीटर है, S का भी 1 मीटर है, T का भी 1 मीटर है, जो भी पार्टिकल है उसका 1 मीटर रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं। तो एम्पलीट्यूड पूरी वेव का क्या रहेगा, हमेशा सेम। नेक्स्ट, वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं करेगी कोई वेव, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले बताओ, फ्रीक्वेंसी वेव की क्या होती है, नहीं होती क्या फ्रीक्वेंसी है, अगर आप यहां पे खड़े हो घड़ी लेके, 1 सेकेंड में ये एक वेव है, 1 सेकेंड में कितनी ऐसी वेव्स पास हो जाती हैं आपकी, आप सुन सकते हो या देख सकते हो, एक पॉइंट को क्रॉस करती हैं, मान लो 1 सेकेंड में 50 वेव्स क्रॉस हो गई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 50। तो 1 सेकेंड में एक पॉइंट पे कितनी वेव्स पास, वेव का मतलब एक क्रेस्ट एंड ट्रफ पास हो जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कई बार फ्रीक्वेंसी 200 भी हो सकती है, 1 सेकंड में 200 वेव्स क्रॉस कर गई, फ्रीक्वेंसी 200 है। अब ये बताओ कि अगर मैं एक वेव ऐसी लूं, ठीक है, आप काउंट करो ऐसी 1 सेकंड में कितनी वेव्स हैं, या मैं वेव को ऐसी लूं, तो 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, और वेलोसिटी भी है इनकी सेम, वेलोसिटी की वेव्स हैं इसमें, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स किस वेव में ज्यादा आएंगी, एक ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, छोटी छोटी वेव्स है ना तो ज्यादा काउंट, ज्यादा पास हो जाएंगी, बड़ी वेव तो क्रॉस होने में टाइम लगाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो जितनी टाइट वेव्स होंगी नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होंगी, छोटी छोटी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बड़ी बड़ी वेव ऐसी खुली वेव्स हैं फ्रीक्वेंसी कम है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेव की लेंथ देखो ना बड़ी है, सुना नहीं आपने कि अगर वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर ये वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, ज्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने ये भी सुना होगा किसी भी वेव के लिए जो वेलोसिटी होती है वो न्यू इनटू लैम्डा का फॉर्मूला फॉलो करती है,
सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पर यहाँ पर सी तो स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना, ये तो वी है, रस्सी के अंदर साउंड की स्पीड या मेरी साउंड ऑफ स्पीड है, तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का मल्टीपल होता है। तो अगर मान लो स्पीड कॉन्स्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रही, अगर आपने किसी भी वेव की वेवलेंथ बढ़ा दी, ऐसे बढ़ा दी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम कर दी, सॉरी कम कर दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी वेव की क्या है, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी सेम है, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत आता है पेपर में, आपकी वेव लाइट है चाहे साउंड है, दुनिया की कोई वेव है, कोई चक्कर नहीं, वैक्यूम से पानी में एंटर कर गई, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होएगी? कम होएगी, वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम है, पानी के अंदर स्पीड उसकी कम हो जाएगी, मीडियम में कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी, बढ़ेगी, कितने लोग बढ़ेगी, कितने बोलते कम होगी, कुछ भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर है, कितने भी मीडियम लाइट चेंज कर ले, साउंड चेंज कर ले, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। लिख लो नोट, किसी भी वेव के लिए v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, फॉर एनी चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। वो रीजन पूछेगा पेपर में, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती मीडियम चेंज करने पे, तो लिख देना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, किसने उसको जनरेट किया, सोर्स, दिखाता हूं कैसे, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे, अब इसका मतलब क्या है, आपने मेरे को एक रस्सी दी, आपने कोई रस्सी दी और कहा कि सर वेव जनरेट करो, मैंने हाथ में पकड़ा, वेव जनरेट की, मेरी मर्जी है यार, मैं स्लो करूं और मैं तेज करूं, तेज करूंगा नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा निकलेंगी, स्लो करूंगा तो कम निकलेंगी, तो ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स है एक सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्लो करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम है, सोर्स मेरे हाथ पे डिपेंडेंट है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, हर बंदे की आवाज डिफरेंट है, मैं बोलता हूँ मेरी डिफरेंट है, आप बोलते हो डिफरेंट है, सिंगर की डिफरेंट है, हर बंदे की डिफरेंट है, तो अब कोई आवाज तो कैसी चेंज कर लेगा, अपनी नेचुरल आवाज तो नहीं चेंज कर सकता। तो भगवान ने एक वॉइस बॉक्स दिया हुआ है, वो क्या करता है, जब आप बोलते हो ना तो साउंड एयर के पार्टिकल है ना, उनको वाइब्रेट करता है, जैसे रस्सी को मैं हिला रहा हूँ ना, वो एयर के बिल्कुल सराउंडिंग एयर को हिलाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हिला देता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है। अब सोचो जिसकी बहुत ही पतली आवाज़ है और चिकनी आवाज़ है, बहुत मतलब कईयों की श्रिलनेस ज़्यादा है, अब उनमें क्या होता है, उनका वॉइस बॉक्स ही ऐसा है कि जब वो बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल बहुत तेज़ी से हिलते हैं उनकी वजह, ये वो हिला नहीं रहे, बाई नेचर है, एयर के पार्टिकल तेज हिलते हैं, तेज हिलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है, ज्यादा है आवाज तीखी होगी, कईयों की भारी आवाज है, जितना मर्जी तेज बोल लें मतलब कैसी आवाज निकाल लें, बेसिकली क्या होता है, तेज हवा हिलती नहीं है, एयर के पार्टिकल स्लो हैं, सोर्स पे डिपेंडेंट है, अभी कंपनी फिटेड है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप चेंज कैसे करोगे, आवाज कैसे चेंज करोगे, तो लग के आ गया, अब ये ऐसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब सोर्स पे डिपेंडेंट है, पानी के जाने से वेव थोड़ी ना चेंज, पानी क्या कर रहा है बेचारा, पानी तो मीडियम है, वो तो पार्टिकल हिला रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है,
उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, कम या छोटी हो सकती है, पर फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो सोर्स ने जनरेट की थी, जिसने उसको बना दिया, वो नहीं चेंज होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये फैक्टर याद रखना। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो पार्टिकल, हाँ, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही थी, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो वेव है जो आगे बढ़ती है बिना एम्पलीट्यूड के चेंज के, सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वो नहीं चेंज करेगी, और वेलोसिटी सेम रहेगी। ये नहीं है कि मैंने बोलना शुरू किया या यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी मेरी 330 मीटर पर सेकेंड है, फिर वहाँ से वहाँ जाने में 400 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी एयर में कैसे चेंज होएगी? मीडियम चेंज करोगे बात अलग है, इन अ गिवन मीडियम वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो ऐसी वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है यहाँ तक? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी वैलिड है एंड ट्रांसफर्स के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, तो ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है